Hello everyone, welcome to Education Academy. This is Ganesh Kumar. I have done Bachelor of Engineering with Mechanical Engineering from BIT Mesra Ranchi. I am also GATE qualified and I have 10 years of teaching experience. Okay, तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन 1 क्या पूरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट. है ना, इसमें से कौन जो है वो नल सेट का एग्जांपल है. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो नल सेट होते क्या है वो पहले हम लोग समझते हैं. ठीक है, नल सेट इसको हम लोग वाइड सेट भी बोलते हैं और एम्प्टी सेट भी बोलते हैं. ठीक है, नल सेट क्या होता है, ए सेट विच हैव नो एलिमेंट्स इज नॉन एज वाइड नल और एम्प्टी सेट, इट इज डिनोटेड बाय फाई. है ना, वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे, और इसको फाई से डिनोट करते हैं जनरली. यहाँ पे क्या बोला, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन वन, वन से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा बताओ. ऑफकोर्स वन से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, यानी यहाँ पे जो सेट होगा उसको हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, मतलब कर्ली ब्रैकेट है लेकिन इसमें अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. ठीक है, तो ये वॉइड सेट को दिखाने का तरीका है, और इसको सिंपली फाई भी लिख देंगे तब भी समझ में आ जाना चाहिए कि ये वॉइड सेट है, मतलब ऐसा एलिमेंट जो पॉसिबल ही ना हो, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट या वॉइड सेट बोलेंगे. ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करते हैं. क्या बोला है कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय टू. ओड नेचुरल नंबर पहले बात करते हैं, ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब ओड नेचुरल नंबर है. और ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू, अब जितना भी ओड नंबर है वो टू से डिविजिबल तो होता ही नहीं है, इसका मतलब ये है ना, एक भी एलिमेंट इस पे नहीं होगा. क्या टू से डिविजिबल है क्या ये सब, नहीं, टू से डिविजिबल होगा तो सब इवन नंबर कहलाते हैं, ये तो टू से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब क्या बोल सकते हैं कि नॉट डिविजिबल बाय टू. है ना, नॉट डिविजिबल बाय टू, एक भी जो है ये सब जितने भी है सब डिविजिबल नहीं है टू से, यानी इसमें जो एलिमेंट है वो एक भी एलिमेंट नहीं होगा, फाइव होगा. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, ओके, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स का सेट. तो ऑफकोर्स प्राइम नंबर्स है ना, जो क्या होते हैं, जो अपने से डिवाइड हो और वन से डिवाइड होगा. है ना, जैसे सेवन, सेवन जो है एक प्राइम नंबर है क्योंकि वन से डिवाइड होगा और सेवन से डिवाइड होगा सिर्फ. थ्री भी एक प्राइम नंबर है, टू, टू भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि वन से डिवाइड होगा और टू से डिवाइड होगा. तो हम लोग यदि प्राइम नंबर की बात करेंगे तो प्राइम नंबर यहाँ पे क्या क्या होंगे, प्राइम नंबर यदि लिखें, प्राइम नंबर क्या क्या होंगे, टू होगा, वन नहीं होगा, वन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वन सिर्फ वन से ही डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल नहीं है. तो टू होगा, टू जो है वन से और टू से डिविजिबल है. थ्री होगा, फोर नहीं होगा, फोर क्योंकि टू से भी डिविजिबल है, वन से भी और फोर से भी, फोर नहीं होगा. फाइव होगा, सेवन होगा, नाइन होगा, सॉरी नाइन नहीं होगा, नाइन थ्री से भी डिविजिबल है. ठीक है, इलेवन होगा, थर्टीन होगा, इस तरीके से होगा. ठीक है, तो बोल सकते हैं कि टू ही एक ऐसा ऐसा नंबर है जो इवन होके प्राइम है, बाकी सब देख सकते हैं कि ओड वाला ही जो है प्राइम होंगे. ओके, तो टू ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होके क्या है, प्राइम है. तो बोला सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, तो ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो, तो एक ही है, तो इसमें जो एलिमेंट होगा इस क्वेश्चन का, उसमें एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ टू. इवन प्राइम नंबर कौन है, सिर्फ और सिर्फ टू है. क्या ये नल सेट है क्या, नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट है इसमें कौन, टू, ये नल सेट नहीं है, इसमें नहीं होगा. ठीक है, इसमें होगा. ओके, फिर बोला है x such that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7. x क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, और बोले x 5 से छोटा है एंड x 7 से बड़ा है. 5 से छोटा और 7 से बड़ा, ऐसा नंबर बताओ जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो. तो ऑफकोर्स 5 से छोटा, 5 से छोटा एंड 7 से बड़ा, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, 5 है और ये 7 है, 5 से सात से बड़ा, पांच से छोटा, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर भी एलिमेंट्स क्या होगा, फाइव, कोई एलिमेंट्स इसमें नहीं है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस. ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, ओके, दो पैरेलल लाइन है, इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, तो इसमें दो पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट जो है कॉमन नहीं हो सकता है. देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है क्या, नहीं, मतलब एक ही जगह पे है क्या, नहीं है, अलग अलग है, देयरफॉर ये भी जो है क्या होगा, वाइड सेट होगा. ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अब नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो दूसरे को भी भेजना है तो जरूर से जरूर अभी का अभी शेयर करें, और प्रेस द बेल आइकन को दबाना भूलें,
ना तो नोटिफिकेशन आपको पहले नहीं पहुंच पाएगी। सो प्लीज बेल आइकन को दबाएं। सो थैंक यू।